नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसके लिए हम लोगों मीटिंग एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वन डे बंद एंड उसका कैसे होगा कहाँ में होगा कौन से तारीख को होगा उसी के लिए हम लोग का आज मीटिंग था. हम लोगों का जो डिमांड है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है वो अपना तिपरासा के लिए. और मुझे लगता है कि वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीन वेरी पॉजिटिव, होम मिनिस्टर हैज बीन वेरी पॉजिटिव, लेकिन हमको अपना प्रेशर रखना पड़ेगा. जब तक हम प्रेशर रखेंगे तभी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली लेगा. तो इसके लिए हम लोग डिसीजन लिया है कि एक दिन का हम लोग बंद रखेंगे. और मैं अपील करता हूँ कि सब तिपरासा जो मोथा के साथ है, जो मोथा के साथ नहीं भी है लेकिन दिल से तिपरासा है, उसको इस बंद को सपोर्ट करना चाहिए. क्योंकि अगर हम लोग एक आवाज़ में दिल्ली में एक आवाज़ में अपना अधिकार के लिए बात करेंगे तो न्यू दिल्ली को भी हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा. वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कल फुल अनाउंस कर देंगे. मेरा पॉइंट एक ही है कि आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते हो, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते हो जब तक तिपरासा को आप डेवलप नहीं करोगे. और तिपरासा को अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो निकला था, हमारा तो मैनिफेस्टो आप छोड़ दीजिए, उनका मैनिफेस्टो देखिए बीजेपी का, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं मिला. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग के लीडर्स जो दिल्ली जाते हैं वो लोग एक आवाज़ में बात नहीं करते. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कम्युनिटी के बारे में बात करूँ. हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, ये टीम एफर्ट है. और मैं सबको अपील करता हूँ, अगर आपके दिल में तिपरासा और हमारे बच्चे का नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी चिंता हो तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और समझाना अच्छे तरीके से पड़ेगा कि आप हमारे संग न्याय कीजिए. हमारे संग अन्याय हुआ है, वो अन्याय को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं है तो ये गलती आप, हम लोग भी इंडियंस हैं, हम लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं, आपको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा.